पता नहीं यार, वो मर्द कौन से होते हैं, तो अपनी बीवी से इतना डरते हैं? मैं वह तो नहीं डरता भाई। राशिद भाई, इसका मतलब फुल कंट्रोल है। ऐसा वैसा, मैं जब घर पे कदम रखता हूं ना, उसकी आवाज नहीं निकलती। बात समझ नहीं आती, भाभी इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी सख्ती बर्दाश्त कैसे कर लेती है? हाँ भाई, गोल्ड मेडलिस्ट है। अबे भाई, लड़की पढ़ी लिखी हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, उसमें इज्जत बना के रखनी पड़ती है, बस इतनी सी तो बात है। राशिद भाई, मुझे तो तभी यकीन आएगा बाप भाभी के हाथ का खाना खिलाएंगे। हाँ ये ठीक कह रहा है भाई, आज हो ही जाए भाभी के हाथ का खाना। अरे यार, खाना कहाँ से बीच में आ गया? अरे राशिद भाई, वलीमा तुमने किया नहीं, दोस्तों को कोई ट्रीट दी नहीं, और हम कौन सा रेस्टोरेंट जाने की बात कर रहे हैं? भाभी के हाथ का तो खाना चाहिए हमें बस। अरे यार, घर का खाना रहने दो भाई, मैं किसी दिन बाहर से बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। सीधी तरह कहो ना कि तुम हमें अपने घर नहीं ले जाना चाहते। अरे यार, मैंने ऐसा कब कहा? भाई मतलब तो यही है ना, एक दो ही बातें हो सकती है, या तो तुम हमें अपना दोस्त नहीं मानते, या तो तुम हमें शादी का ट्रीट नहीं देना चाहते। और तीसरी बात बोल। और तीसरी बात ये है कि इनका भाभी पे कोई रोप ही नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार। चल यार छोड़ इसको, मैं तुझे ना घर में खाना खिलाता हूँ। हाँ राशिद भाई, अब बात इज्जत पे आ गई है। चलना क्या इस अरे यार, तुम लोग इधर आओ यार, क्या हो गया है भाई? खाना खाना है ना? हाँ मैं खिलाऊंगा भाभी के हाथ का खाना। ये भी ना बात, बहुत ही बड़े भुक्कड़ हो तुम लोग। चलो।